नमस्कार दोस्तों, दास सर्विस सेंटर में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करते हैं। ये देखिए स्टैंड बाई ऑन हो गया, और ये देखिए ब्लैक लाइट ऑन है, और ये देखिए अच्छा से। तो दोस्तों ये फॉल्ट हार्ड टीवी में आता है, बहुत ज़्यादा आता है ये फॉल्ट, और व्हाइट डिस्प्ले का और ये फॉल्ट। तो ये फॉल्ट को अभी रिपेयर करना वाला हो, तो आप लोग वीडियो को देखते रहिए। जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, मैं इन सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और जो सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो दोस्तों इसे फॉल्ट और वीडियो को कम से कम आप लोग का 10-12 लोग का साथ वीडियो को शेयर करें, और अगर चैनल जिंदा रहा, मेरा मतलब मैं जिंदा रहा, तो इसे बहुत सारे वीडियो आप लोग को मिलते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और इस फॉल्ट को कैसे ठीक किया जाए वो देखते हैं। तो दोस्तों ये टीवी का, ये देखिए फिलिप्स, ये टीवी का ये मॉडल नंबर जो मैं स्क्रीन में दे दूंगा, इसका मॉडल नंबर। और ये देखिए, तो पहले ये नट वगैरह खोल लेते हैं, उसका बाद चेक करेंगे। तो दोस्तों हम लोग पहले ये जो सॉस पीसीबी है, ये पीसीबी को पहले हम लोग चेक करेंगे। ये फ़िलहाल तो हम लोग खुलेंगे नहीं, क्योंकि हम लोग का फॉल्ट जो है पैनल में है। पैनल में पहले हम लोग चेक करते हैं, और चेक करने के बाद अगर ज़रूरत पड़ेगा तो ये खुलेंगे, नहीं तो नहीं खुलेंगे। तो ये हो गया एलबीडीएस कनेक्टर, और दोस्तों पहले उसको क्लीन करेंगे। ये देखिए कितना डस्ट वगैरह पड़ा हुआ है, ये देखिए बहुत सारे डस्ट वगैरह पड़ा हुआ है, ये देखिए। तो उसको पहले अच्छा से क्लीन करेंगे, उसका बाद ही वोल्टेज चेक करेंगे। तो दोस्तों टीवी को मैंने ऑन कर दिया, और स्टैंड बाय भी कर दिया। अभी वोल्टेज को एक बार चेक करते हैं। पहले तो हम लोग को पैनल में सबसे पहले बीसीसी वोल्टेज को चेक करना है, और ये देखिए मीटर को मैं सेट किया, तो ये बीसीसी वोल्टेज को चेक करते हैं। ये बीसीसी वोल्टेज है 5.5 वोल्ट, ये पैनल 5 वोल्ट से वर्क करता है। तो ये देखिए 5.5 वोल्ट आ रहा है। उसका बाद हम लोग को बीजीएल वोल्टेज को चेक करना चाहिए, और 3.3 वोल्ट को बीडीडी वोल्टेज। तो बीडीडी वोल्टेज, एबीडी वोल्टेज को देखते हैं। तो एबीडी वोल्टेज 5.1 वोल्ट मिल रहा है। उसका बाद बीजीएल वोल्टेज को देखते हैं। तो विजुअल वोल्टेज दोस्तों 0 है, और उसका बाद बीजीएस वोल्टेज को देखते हैं। बीजीएस वोल्टेज भी नहीं है,
तो दोस्तों हम लोग को जो वोल्टेज पैनल में मिल रहा है, एक BCC वोल्टेज मिल रहा है जो 5 वोल्ट का वो वोल्टेज मिल रहा है। उसका बाद ABD वोल्टेज भी नहीं है और BDD वोल्टेज जो 3.3 वोल्ट होना चाहिए वो भी मिल रहा है, 3.5 वोल्ट ये मिल रहा है वोल्टेज। और BGH BGL का कुछ वोल्टेज भी नहीं मिल रहा है, तो उसका मतलब है जो DC to DC IC है वो स्विचिंग नहीं कर रहा है, वो स्विचिंग नहीं हो रहा है। BGH DC to DC IC जब स्विचिंग होगा तब जाकर ये BGH BGL वोल्टेज को ये DC to DC IC बना के तो ये नहीं बन रहा है। उसका मतलब है DC to DC IC ख़राब होगा, नहीं तो दूसरा जगह में कुछ ट्रांजिस्टर डायोड वगैरह ख़राब होगा, कैपेसिटर। तो क्या करते हैं, ये जो डिस्प्ले LVDS कनेक्टर है जो, उसको पहले खुलेंगे। तो दोस्तों मैं वीडियो को थोड़ा देर के लिए रोक देता हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो जा रहा है। आप क्या करना है, धीरे धीरे ये LVDS को खुलना है, अभी सावधानी का, ये बहुत पतला होता है, ये देखिए। और अभी पैनल को अच्छा से खुल लेना चाहिए धीरे धीरे, और उसको चेक करना चाहिए। ये देखिए पैनल का, दोस्तों पैनल का काम जब भी करे सावधानी का साथ और ठंडा दिमाग से करें। दोस्तों ये जगह पर देखिए, ये DC to DC IC हो गया, ये एक 3 वोल्ट का रेगुलेटर है। तो हम लोग पहले पैनल में दोस्तों ये BGH वोल्टेज नहीं आ रहा है, उसका मतलब ये शॉर्ट है। तो DC to DC IC खुलने का पहले हम लोग ये जो कैपेसिटर है और ये जो डायोड ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर का जैसा, ये ट्रांजिस्टर नहीं होते, डायोड होता है और ट्रांजिस्टर भी होते हैं। तो ये कैपेसिटर डायोड को हम लोग पहले चेक करेंगे, उसका बाद ये जगह पर रेजिस्टेंस दिया हुआ है वो रेजिस्टेंस भी चेक करेंगे। और देखिए ये 6 कप का बना हुआ है, तो ये कप का साइड में ये देखिए, ये जगह पर बहुत सारे रेजिस्टेंस कैपेसिटर दिया हुआ है, उसमें से अगर एक कैपेसिटर या रेजिस्टेंस शॉर्ट हो जाएगा तो BGH BGL वोल्टेज को बना नहीं पाएंगे। शॉर्ट होगा तो ये IC का पर दबाव पड़ेगा और IC ये वोल्टेज को बना नहीं देगा। तो दोस्तों हम लोग पहले ये कैपेसिटर डायोड वगैरह सब कुछ चेक करना है पहले, उसका बाद ही DC IC को चेक करेंगे। तो वीडियो को देखते रहिए दोस्तों, कुछ फ़ायदा आप लोग को मिल जाए मैं वही कोशिश करता हूँ दोस्तों। तो ये जो कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर को पहले चेक करेंगे। देखिए उसमें फॉल्ट फाइंड करने का एक ही तरीका है, पहले मीटर को बजाज रेंज में रख के, डायोड रेंज में रख के हम लोग चेक करेंगे। ये देखिए ये बजाज आवाज़ आ रहा है, तो देखते हैं पहले कैपेसिटर को। तो ये कैपेसिटर ओके है, ये भी ओके है, जो बड़ा वाला कैपेसिटर है पहले ये कैपेसिटर को हम लोग चेक करेंगे, ओके है, ओके है, ये भी ओके है, ओके है। तो कैपेसिटर अभी तक ओके मिल रहा है।
ये डायट को भी एक बार देख लेते हैं। ये डायट ख़राब होने से भी नहीं होगा, एबीडी वोल्टेज बनेगा नहीं, तो ये ठीक है। ये स्विचिंग कोयल ये भी ठीक है। ये 3.3 वोल्ट का रेगुलेटर ये भी ओके है। लेकिन दोस्तों पैनल में बहुत ही सावधानी के साथ और बारीक बारीक चेक करना है, क्योंकि सामान जो पार्ट्स लगा हुआ है बहुत छोटा है, आँख से नज़र नहीं आता है और मुझे तो बहुत ही दिक्कत लगता है। मैं उस टाइम से काम कर रहा हूँ जब मैं बीसीआर बीसीबी बनाता था, उस टाइम से मैं काम कर रहा हूँ दोस्तों। और अभी सोचिए मेरा आँख में भी थोड़ा पकड़ लिया। तो दोस्तों कैपेसिटर एक भी ख़राब नहीं मिला, मैं अच्छा से चेक किया, एक भी ख़राब नहीं मिला। आप देखते हैं नेगेटिव को लगाकर बीजेस पॉइंट में मीटर का ये रेड वाला पोर्ट को रख के देखते हैं बीजेस लाइन में जो बीजेस पॉइंट शॉर्ट होगा तो अभी नहीं आएगा। तो ये रहा बीजेस पॉइंट, अगर शॉर्ट होता बीजेस लाइन में तो मीटर में शो करता, लेकिन बीजेस लाइन शॉर्ट नहीं है। आप देखते हैं बीजेल को, तो बीजेल में शॉर्ट नहीं, लेकिन कुछ नंबर शो हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं है, शॉर्ट नहीं है। और उसका बाद एबीडी वोल्टेज को एक बार देख लेते हैं, वो भी नहीं है। 3.3 वोल्ट का वो भी शॉर्ट नहीं है। तो दोस्तों ये जगह पर देखिए दोस्तों, तीन डायोड लगा हुआ है, देखिए ट्रांजिस्टर जैसा डायोड लगा हुआ है, उसमें से ये डायोड को हम लोग एक एक करके चेंज करेंगे, क्योंकि मीटर में कभी कभी जो अच्छा नज़र आता है मीटर में अच्छा शो करता है, लेकिन लीक होगा तो मीटर से भी पकड़ में नहीं आएगा। तो क्या करते हैं, ये जो ट्रांजिस्टर है तीनों, सॉरी जो डायोड है, ये डायोड तीनों को चेंज करके फिर देखते हैं एक बार क्या होता है। और ये फिलिप्स का सस पीसीबी है दोस्तों, इसमें थोड़ा पैनल थोड़ा दिक्कत होता है बनाने में, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग बना लेंगे। थोड़ा देरी हो सकता है लेकिन बना लेंगे। तो दोस्तों आप लोग बने रहिए और मैं ये ट्रांजिस्टर को निकालते हैं और लगा के एक बार देखते हैं। तो दोस्तों बहुत मुश्किल का बात, एक डायोड ये देखिए, एक डायोड छोटा सा एक डायोड है, ये देखिए ये डायोड जो शॉर्ट है, ये देखिए ये डायोड को, तो ये डायोड को, ये डायोड का वजह से वो जितना वोल्टेज है वो नहीं बन रहा है मेरे ख्याल से। और मेरा पास एक स्काइलर पीसीबी है जो उसी से मैं खुला हूँ। ये देखिए मैं ये जगह से खुला हूँ, ये देखिए ये जगह से, और ये भी डायोड है, एक दो ये दोनों डायोड है, और मैं यहाँ से एक डायोड को खुल के मैं पीसीबी में लगाया। तो मेरा पास पुराना एक दो स्काइलर पीसीबी है, उसी से मैं जो अर्जेंट काम होता है मैं उसी से काम चला लेता हूँ। तो ये देखिए मैंने ये लगा भी दिया, और दोस्तों वीडियो भी बहुत लंबा हो रहा है। ये देखिए ये जगह पर, ये देखिए ये ट्रांजिस्टर को लगाया।
ये देखिए, ये ट्रांजिस्टर को मैंने लगाया, ये डायट को, ये डायट शॉर्ट था, इसी का वजह से ये वोल्टेज नहीं आ रहा था। तो दोस्तों, पैनल जब भी काम करे और पैनल का काम में ये जो डायट ट्रांजिस्टर जैसा देख रहे हो आप लोग, ये डायट होता है, तो ये डायट कभी कभी मीटर में शो करता है वो अच्छा है, लेकिन अच्छा नहीं होता है, वो अंदर से लीक होता है। इसका फॉल्ट आने से ये ट्रांजिस्टर को आप जितना हो सके, अगर आपका पास नया होगा तो नया डायरेक्ट नया डाल देना, इसी में भलाई होगा। तो मेरा पास तो जो पुराना वाला था, मैं पुराना लगाया, और अभी एक बार लगा के देखते हैं वोल्टेज, जो पहले वोल्टेज नहीं मिल रहा था वो मिल रहा है कि नहीं। अगर नहीं मिलेगा तो आगे चेक करेंगे, क्योंकि आगे भी और बहुत चेक करने का बहुत सारे पार्ट्स वगैरह है, जिसे ये डीसी टू डीसी आईसी है, गामा आईसी है जो, और ये रेजिस्टेंस है, इसमें कोई छोटा छोटा डायोड भी होता है। तो पहले ये केबल को लगा के, एलबीडीएस को लगा के एक बार देखते हैं। तो दोस्तों, प्लग को लगाते हैं और वोल्टेज एक बार चेक करते हैं हुआ कि नहीं। तो मैंने लगा दिया और स्टैंड बाय भी हो गया। हम लोग को देखना है पहले जो बीसीसी 5 वोल्ट, तो ये 5.4 वोल्ट आ रहा है, ओके है। आप देखते हैं बीडीडी वोल्टेज 3.3 वोल्ट को, तो अभी सही है, और उसका बाद देखना है बीजीएल वोल्टेज को, बीजीएल तो -6.5 वोल्ट आ रहा है, वो भी सही है। और आप देखते हैं बीजीएस वोल्टेज को, तो बीजीएस वोल्टेज 29.2 वोल्ट आ रहा है, वो एकदम करेक्ट वोल्टेज है। और एबीडी वोल्टेज 13.6 वोल्ट, वो एकदम करेक्ट है, 13.6 वोल्ट 7 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। और उसका हाफ वोल्टेज मिलेगा दोस्तों बीकॉम में, बीकॉम में एबीडी में एबीडी वोल्टेज अगर 13 होगा तो मान लो बीकॉम में 6.9 वोल्ट ऐसा होगा। तो बीकॉम वोल्टेज को चेक करना जरूरत नहीं है, बीकॉम नहीं होगा तो भी चलेगा। और ये एबीडी वोल्टेज है बीकॉम का बड़ा भाई, तो उसमें वोल्टेज है 13.7 वोल्ट हो आ रहा है। तो दोस्तों, पैनल में जितना वोल्टेज चाहिए था वो वोल्टेज मिल रहा है, लेकिन स्क्रीन में क्या आ रहा है नहीं आ रहा है वो तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन देखते हैं, अगर नहीं होगा तो भी बना लेंगे। तो धीरे धीरे इसको, ये देखिए नो सिग्नल का, ये देखिए अभी दोस्तों टीवी बन गया, ये देखिए। तो दोस्तों, पैनल में देखिए कोई भी टीवी ज़्यादा ख़राब होता है पैनल में, तो पैनल में आप लोग डरिए मत, पैनल का काम बहुत ही इजी है, लेकिन दिमाग को ठंडा रखने पड़ेगा। जिस जो आदमी का दिमाग ठंडा है वो पैनल बना सकता है, पैनल में दिमाग ठंडा होना चाहिए और धीरे धीरे काम करना चाहिए। तो दोस्तों, ये देखिए टीवी पूरी अच्छी तरह से बन गया, और तो ये वीडियो को
को आप लोग भाई दोस्त लोग का साथ वीडियो शेयर करें और मेरा सब्सक्राइब भी बहुत कमती है, आप लोग कोशिश करें सब्सक्राइब बढ़ाने के लिए। और आप लोग को मैं इसी तरह वीडियो देते रहूँगा। आज के लिए बस इतना, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कोई न्यू फॉल्ट का साथ।